नमस्कार, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है पूजा आर केयर में। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऑयल, जिसे लगाने के बाद अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, बहुत ज्यादा रूखे सूखे पड़ गए हैं, बेजान से हो गए हैं, तो इस ऑयल को लगाने के बाद आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की बनने वाले हैं, शाइन करेंगे। और मतलब एक चम्मच भर आपको लेना है और अप्लाई कर देना है पूरे स्काल्प में और पूरे अपने बालों में। उसके बाद रिजल्ट जो आपको मिलेगा अमेजिंग मिलने वाला है। और इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हेयर फॉल हो रहा है उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, तो इसे ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। इस तेल को बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें हम डाल देंगे 3 छोटे छोटे प्याज, थोड़े से डाल देंगे कड़ी के पत्ते और इसमें 6 से 7 हम लवंग डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है, यानी कि कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में भी इस तरीके से दर दर आप इसे पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया सा कूट लिया है, जितना बारीक आप कूट सकते हैं उतना बारीक कूट लीजिए इस तरीके से। अब हमें चाहिए होगा तिल का तेल, ये है सेसमे ऑयल। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप कढ़ाई को एक गर्म कर लीजिए, लोहे वाली होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें हम डालेंगे तिल का तेल 2 चम्मच और नारियल का तेल हम डाल देंगे 4 चम्मच, यानी कि डबल हम नारियल का तेल डालेंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम कलौंजी डालेंगे। गैस का फ्लेम धीमा यानी कि स्लो रखना है। अब ये गया कलौंजी, डालते ही तेल में बहुत ही बढ़िया सा एक झाग आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 छोटे चम्मच मैंने कलौंजी डाल दिए हैं। अब इसमें जाएगा अदरक का 1 इंच टुकड़ा। हमारे बालों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अदरक। और ये जो हमने कूट करके रखे थे ना सारी चीज़ें, वो इसके अंदर चली जाएगी। और अब जो है धीमे आँच पे ही हमें बढ़िया तरीके से इन सारी चीज़ों को तेल में पका लेना है। जब तक कि एक बढ़िया सा खुशबू ना आ जाता है तब तक इसे आपको पकने देना है धीमे आँच पे। आप देख सकते हैं कलर तेल का काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और सारी चीज़ें ना हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तो आपको बंद कर देना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, यानी कि जलाना नहीं है। अब तेल हल्का सा इस समय गुनगुना है। जब हल्का सा गुनगुना होगा ना, तभी आप छन्नी की मदद से छान लीजिए और ग्लास की मदद से अच्छे से प्रेस करके आप तेल को सारा निकाल लीजिए। ये हमारा बहुत ही पावरफुल तेल बनकर रेडी हो गया। इससे आपके बाल दुगने स्पीड से बढ़ने वाले हैं। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं पूरे महीने भर के लिए। और जब आपको बालों में अप्लाई करना होगा तब आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए डबल बॉयलर के मेथड से और बालों में अप्लाई कर लीजिए। स्काल्प में बढ़िया तरीके से अप्लाई करें, बाल के पूरे लेंथ में बढ़िया से अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने के बाद आप इसे जूड़ा बना लीजिए। जूड़ा बना करके पूरे रात भर के लिए रहने दीजिए। इससे आपका हेयर फॉल कम होगा, बाल सिल्की शाइनी बने रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे और रूखे बेजान अगर हो गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे और सिल्की शाइन तो करेंगे ही करेंगे। तो इस तेल को ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स द्वारा ज़रूर हमें दीजिएगा। अब इसे रात भर के लिए मैं रहने दूंगी और नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के किसी भी माइंड शैम्पू से वॉश कर लूँगी।